गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज है संडे की मॉर्निंग और मैंने जैसे बोला था कि आज हमको कहीं जाना है, तो इसीलिए हम सुबह सुबह जल्दी उठ गए और एक सुसभ्य गृहिणी की तरह मैंने आज सारे काम निपटा लिए, क्योंकि आज योगिता भी नहीं आने वाली थी और हमें भी कहीं बाहर जाना था, तो झाड़ू पोछा बर्तन सब कर लिए मैंने, चाय पी ली, अब नाश्ता लेने ये गए हैं बाहर, इडली और वो बड़ा, तो वो खा के बस हम निकल लेंगे। और हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ का ब्लॉगिंग पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो हर किसी के घर पे ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं है। कल की ब्लॉगिंग तो हमारे फ्रेंड है तो वो बहुत कंफर्ट है हमारा उनके साथ में, तो वहाँ ब्लॉगिंग हो जाती है, बट देखो हर किसी के घर पे ब्लॉगिंग करना पॉसिबल नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि क्या होता है ना, एक ब्लॉगर जैसे ही एंट्री मारता है ना, हर किसी को ये लगता है कि अरे यार ये भी वीडियो बनाना चालू कर देगी। लेकिन मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाती हूँ, जितनी क्लिप मुझे समझ में आती है उनकी उतनी ही लेती हूँ मैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लेती किसी का, मतलब ऐसा, मतलब देखो सबको अनकम्फर्टेबल लगता है, तो इसलिए मैं हर जगह ब्लॉगिंग नहीं करती। तो वही है, अभी हम जा रहे हैं और जितना ब्लॉगिंग हो पाएगा दिन भर का उतना करेंगे। आज मैं अपने कंफर्ट जोन में हूँ, ज़्यादा मैंने मतलब साड़ी वाड़ी सब, भाई यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्या है, इतनी उमस है ना, मतलब ह्यूमिडिटी इतनी है कि इंसान कपड़े क्या पहने यहाँ पे एकदम कम, इसीलिए यहाँ पे ना लोग आधे अधूरे कपड़ों में घूमते हैं, सच में हम तो नहीं पहन सकते लेकिन आधे अधूरे कपड़ों में इसीलिए घूमते हैं, इतनी गर्मी रहती है यहाँ पे, उमस इतनी है, पसीना इतना है कि पूछो मत। तो अपने जीन्स टॉप में निकल लो, वही बेस्ट है, तो नाश्ता करके निकलते हैं। बाजार के इडली सांभर खा लेते हैं फटाफट से। तो जिनके घर हम जा रहे हैं ना भाई, इतनी प्यारी सोसाइटी में रहते हैं, इतनी प्यारी सोसाइटी में है कि मैं क्या बताऊँ, मतलब देख के मन करे कि जिसके पास पैसा हो ना भाई यहीं ले ले घर तो बहुत ही सुंदर सोसाइटी है, चिड़ियाओं की चहचहाहट, और क्योंकि संजय गांधी नेशनल पार्क है पास में तो बहुत ही सुंदर है। क्या पता भैया शेर चीते भी आ जाते हो? नहीं, मैं तो यही पूछा उनसे, मैंने कहा शेर चीते तो नहीं दिख जाते आपको यहाँ आस पास? तो बोले नहीं नहीं इधर नहीं आते, वो उधर ही रहते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो फिर, है ना। पर मस्त सोसाइटी है यार, क्या ग्रीनरी, वेल मेंटेन, बहुत ही प्यारी, और ठंडा मौसम है, मतलब मौसम उस दिन अच्छा था नो डाउट, लेकिन ऐसे भी वहाँ अच्छा ही रहता है, क्योंकि ये संजय गांधी नेशनल पार्क आपको यहाँ से भी दिख रहा है पूरा, तो वो ये है इसलिए। और मुंबई का व्यू देख लो आप भाई, ऐसा नहीं है, मुंबई कंजस्टेड तो है लेकिन कई जगह सुंदर भी है। अभी हम लोग मुलुंड आए हैं, तो हम मतलब आ गए, अब जा रहे हैं, अब निकल रहे हैं, हो गया हमारा मिलना जुलना। अच्छा एरिया यार ये मुलुंड, पता बड़ी ठंडा ठंडा एरिया है, बड़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, आई लाइक इट, क्योंकि यहाँ पे वो संजय गांधी नेशनल पार्क पास में ही है। तो स्नैक्स करने के बाद, लेकिन भाई लंच टाइम हो रहा है, भूख लग रही है, तो हम ना आके थोड़ा खाना खा लेते हैं, और हम सोचते हैं कि ये डोसा इडली यही ज़्यादा बेटर है। और चलो चलो कॉफी घूमने वाली, मैं मारुति में घूमने वाला प्रिय। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया, इनको स्टारबक्स देखते हैं, इनको लगता है कि स्टारबक्स पियो स्टारबक्स पियो, क्या होता है स्टारबक्स में, पी थी हमने एक बार कॉफ़ी, वो 450 रुपये की एक कॉफ़ी थी भाई, हमने तो एक में तीनों ने पी ली, हमारी तो हिम्मत नहीं है अब दोबारा वहाँ जाने की। ये कॉफ़ी बहुत मतलब 100 टाइम्स बेस्ट थी, मैंने पी ना थोड़ी सी तो मुझे तो बड़ा मज़ा आया, लेकिन मैंने पूरी नहीं पी, मैं बेवकूफ निकली थोड़ी सी, अगर मैं पी लेती तो शायद मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती, और बहुत अच्छी थी। बच्चे पता नहीं आजकल वो स्टारबक्स के पीछे पड़े रहते हैं बस, और कुछ नहीं। कल के ब्लॉग को ना मैं आज कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि कल का ब्लॉग मैं कंप्लीट कर ही नहीं पाई, क्योंकि मेरी इतनी भयंकर तबीयत ख़राब हो गई थी कल आधे रास्ते में ही, वहाँ से जैसे ही हम निकले हेडेक, बीपी लो, वॉमिटिंग, और मतलब घर जैसे तैसे आई हूँ मैं, और आके बस पड़ गई मैं तो, सो गई दवाई खा के, तो कल वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इस ब्लॉग को मैं बस अभी बस कंप्लीट करने के लिए सुबह सुबह थोड़ा सा वीडियो बना रही हूँ, तो आप प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और थोड़ा सा प्यार दो ब्लॉग्स को जैसे इंस्टाग्राम वीडियोस को दे रहे हो। अब मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।